के वर्षा के पुरोनी मांगनी पर बोलने खड़ा हुआ नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांध काम विभाग, ग्राम विकास विभाग, महिला व बाल विकास विभाग पे बोलने खड़ा हुआ। अर्बन डेवलपमेंट बाब नंबर 110 MMRDO को 322 करोड़ रुपया मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए दिया। बाब नंबर 111 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र नगर उत्थान महाअभियान उर्बन अर्बन डेवलपमेंट मेगा मिशन के लिए 300 करोड़। बाब क्रमांक क्षेत्र परली अप्लीग्रीमेंस के लिए 20 करोड़ रुपया। अध्यक्ष महोदय, मैं जो भी बजट पुरोनी मांगनी में दिया गया मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मेरी एक मांग है अध्यक्ष महोदय कि मुंबई में उर्दू घर बनाने के लिए एग्री पाड़ा में एक इमारत चिन्हित की गई थी और वो झगड़े में पड़ गई, माहौल को कमजोर बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उर्दू घर या उर्दू लर्निंग सेंटर का मामला बिल्कुल रुक गया है। उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब CM थे तो उन्होंने बाइकल्ला के MLA को यकीन दिलाया था कि एग्री पाड़ा में एक उर्दू घर और उर्दू ट्रेनिंग घर बनाया जाएगा। उन्होंने मुंबई के उर्दू न्यूज के अखबार के प्रोग्राम में 50 करोड़ रुपया का प्रोविजन रखा था। मैं मांग करता हूं कि तुरंत उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन अब उनकी सरकार चली गई, वहां फिर BMC के एक प्लाट पर उर्दू लर्निंग सेंटर की बात हुई। अध्यक्ष महोदय, उर्दू का कोई रिलीजन नहीं है, ये एक कल्चर है और कल्चर का प्रोडक्शन, उसका प्रमोशन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अच्छी तरह से उसका डायरेक्टिव दिया हुआ है। 5 जगह पर नांदेड़, औरंगाबाद, मालेगांव, नागपुर और अब शोलापुर में ये जो है उर्दू घर बनना है। मुंबई का जो है ना ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है। अध्यक्ष महोदय, ये तुरंत होना चाहिए। ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पिछले 20 सालों में बहुत कुछ किया गया है लेकिन अभी भी बहुत प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। अध्यक्ष महोदय, 5 किलोमीटर जाना है तो 2-2 घंटे लग जाते हैं। मुंबई से भिवंडी जाना है तो 4-5 घंटे लगते हैं, नहीं मालूम कैसे यह हल होगा। अध्यक्ष महोदय, इस पर कुछ न कुछ सरकार को तुरंत कोई न कोई इमिडिएट कोई इसका हल निकालना चाहिए। मुंबई में फ्लाईओवर, जे फ्लाईओवर बना जिसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं। डाउनटाउन में एक फ्लाईओवर बड़ा बना, इतना डिफेक्ट है, उस पर 2-व्हीलर जा नहीं सकता, बड़ी गाड़ियां जा नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, अब जब मेट्रो का काम हो रहा है तो मेट्रो का काम भी क्राफर्ड मार्केट से बाइकल्ला तक मेट्रो का काम भी नहीं हो रहा है, मोनोरेल भी नहीं हो रहा है। 7 रास्ते से क्राफर्ड मार्केट 7 रास्ते उत्तर चला गया। जब ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में 7 रास्ते अगर आप काम हो सकता है तो मेरा मानना है कि भिंडी बाजार एरिया में भी मोनोरेल या मेट्रो का काम करना चाहिए। ट्रैफिक का वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इसे निगलेक्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय अभी स्टेज पे नहीं है लेकिन जो हमारे अध्यक्ष हैं इस हाउस के उनका भी एरिया वो लगता है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्द आप जो है कदम उठाएं और वहाँ उसको भी जरा डेवलप करवाएं, वहाँ पे भी ट्रैफिक का बंदोबस्त करवाएं। अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास विभाग बाब नंबर 361 9 लाख रुपया ऑफिसर्स और एम्प्लाइज के लिए दिया गया। बाब नंबर 314 बालक समृद्धि योजना 79.91 लाख रुपीज महिला बाल विकास। अध्यक्ष महोदय, महिला और बच्चों के हालात अच्छे नहीं है। अभी मुझे एक टीचर मिले अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि मुझे एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा प्लीज मुझे पास मत करिएगा। बोले पास मत करिएगा? बोले हाँ मुझे पास मत करिएगा, अगर आपने मुझे पास कर दिया तो अगले क्लास में जाऊंगा, वहां खाना मिलने का प्रोविजन नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ मेरे घर में खाना नहीं है। तो स्कूलों में जो खाना मिलता है वो जरा अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, गरीबी बहुत बुरी तरह से भरी हुई है, लोग परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, ये महिला और बच्चों की हालत बहुत खराब है और आंगनवाड़ियों के लिए जो स्कीमें इंटीग्रल चाइल्ड के लिए स्कीमें हैं वो स्कीमें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, उस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो बालवाड़ी के लिए जगह है उसके 750 रुपये में जगह कहाँ मिलती है, आज 750 रुपीज मंथली किराए पर जगह नहीं मिल सकती। ये मांग बहुत दिनों से चल रही है कि उसके लिए 5,000 रुपया उसका किराया का यहाँ से जो है गवर्नमेंट 5,000 किराया उसको अलाउ करे और सैलरी जो उनकी है ना वो कम से कम वो 8,500 रुपये है। 8,500 रुपये में क्या पढ़ाएगा कोई,
उनकी 15,000 रुपए सैलरी होना चाहिए, ये हमारी मांग है, इस पर गौर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो स्वयं रोजगार के लिए सिलाई मशीन दी जाती है, सिलाई मशीन बीएमसी से मिलती है, और एक इलेक्ट्रिक की आटा पीसने की चक्की दी जाती है। सिलाई मशीन इतनी छोटी मिलती है कि उससे वो लोग स्वयं रोजगार नहीं कर सकते, कुछ पैसे नहीं कमा सकते, और जो आटा चक्की मिलती है वो चक्की की इतनी ज्यादा बिल आती है कि उनको उससे कुछ फायदा नहीं होता है, उसके ऊपर सरकार गौर करे। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को पार्किंग के लिए जो जगह दी गई थी, वो जगह देने की बात हुई थी, वो सही तरीके से नहीं मिल रही है। बजट गट में जो लोन है उस पर वो इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा बाकी है, आज जो है माल न्यूट्रिशन और इनफैक्ट मोर्टेलिटी का एक बहुत बड़ी समस्या देश में उभर के आ गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है मानकू शिवाजी नगर में माल न्यूट्रिशन इन्फेंट मोर्टेलिटी केस में बहुत इजाफा हुआ है। 221 में जब बहन यशोमती ठाकुर जी बैठी यहाँ पर, जब ये महिला बाल कल्याण विकास की मंत्री थी, तो उन्होंने विधान भवन में एक उत्तर के जवाब में देते हुए कहा था कि 4,000 बच्चे माल न्यूट्रिशन के ग्रसित हैं, और उसमें अधिकतर मेरा वार्ड जो एम ईस्ट वार्ड है, बस हो गया 2 मिनट सर, एम ईस्ट वार्ड में सबसे ज्यादा 2017 में प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट ने कहा गया था एम ईस्ट वार्ड में 50% से अधिक बच्चे जो हैं वो बिल्कुल म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके शारीरिक उनका वजन जो होना चाहिए उससे बहुत कम है, और 40% औसत से 40% कम है, यह स्थिति स्कूल जाने वाले बच्चों की। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मानखुश शिवाजी नगर को सीवरेज अक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी सेम हेल्थ फैसिलिटी का बढ़ावा दिया जाए, और आईसीडीएस के तहत मानकू शिवाजी नगर को स्पेशल फंड दिया जाए, जिससे हम आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी बालवाड़ी सिस्टम बस। एक मिनट सर, हो गया सर, एक लास्ट है सर, एक मिनट सर, मैं पीडब्ल्यूडी बोलना चाहता हूँ। जब मझगांव कोर्ट जो है 2013 से बंद है, वो सब लोग जो है, धन्यवाद अपन बोला दिल्ली बदल। पाप क्रमांक 179, पान क्रमांक